2010 में एक हॉलीवुड फिल्म जूलियाज आईज रिलीज हुई थी। तापसी पन्नू की ब्लर भी उसी की हिंदी रीमेक है। फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम स्क्रीन पर उतारा गया है। इससे पहले भी तापसी की पिछली फिल्म दोबारा स्पेनिश फिल्म मिराज से इंस्पायर्ड थी। आइडेंटिकल ट्वीन गायत्री और गौतमी बहनों में गायत्री की डेथ हो जाती है। हालांकि इस डेथ को सुसाइड करार देते हुए पुलिस इस केस को क्लोज करना चाहती है, जबकि गौतमी को शक है कि इस मौत के पीछे किसी का हाथ है। कहानी यहीं से शुरू होती है। अपनी बहन की मौत का पता लगाने में जुटी तापसी को इस रास्ते में कई शॉकिंग सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बीच तापसी की आंखों का विजन जा रहा होता है। क्या तापसी अपनी आंखें गवा बैठती हैं? क्या वाकई इस मौत के पीछे कोई और जिम्मेदार है, और कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करना पड़ता है? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के दौरान मिल जाएंगे। अजय बहल के डायरेक्शन में बनी ब्लर कहीं मायनों में कमजोर व बिखरी सी लगती है। कहानी की शुरुआत से ही आप सोचने लगते हैं ये क्या है और है तो क्यों है। फिल्म के स्क्रीन प्ले में लॉजिक की कमी बहुत खलती नजर आती है। इंटरवल का पहला हिस्सा फिर भी कुछ सही लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स जहां स्टोरी आपको बांध कर रखती है वहां आप गजब बोर होते हैं और कई बार पहले पहले ही सस्पेंस का अंदाजा लगा जाते हैं। अगर आप कुछ यूनिक स्टोरी लाइन या ज्यादा उम्मीदें लेकर देख रहे हैं तो निराशा हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।